बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असगंधन गोरी पर। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप असगंधन गोरी को इस्तेमाल करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और असगंधन गोरी के मुतलिक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। आप असगंधन गोरी के कौन कौन से नुस्खे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। असगंधन गोरी भी इन चंद अहम तरीन बूटियों में से एक है जो इंतहाई मुयस्सर और ताकतवर हैं। इसमें 1000 बीमारियों की शफा रखी है अल्लाह ताला ने। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा, इसलिए वीडियो आप एंड तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। उम्र के मोरों का दर्द और मोरों में गैप। आपने असगंधन गोरी की 1 किलो जड़ लेनी है और उसे आपने किसी बर्तन में डालकर अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। फिर आपने 4 किलो पानी में डालकर हल्की आंच पर आपने पकाना है। जब पानी 3 पाव रह जाए तो छान कर आपने महफूज कर लेना है और रात को सोते वक्त 1 नीम गर्म गिलास दूध में आधा चम्मच आपने वो पानी मिलाना है और फिर आपने पी लेना है। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। ये पानी आप इस्तेमाल करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। आपने ये पानी 15 दिन इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह ताला बचपन की गलतकारियों, अज़वे ख़ास की लावर्जी यानी अज़वे ख़ास में अगर ताकत नहीं है तो उसके लिए ये बेहतरीन है। बनाकर आप इसे इस्तेमाल करें और इससे मादा मुनैया भी खूब गाढ़ा होगा। दूसरा नुस्खा आप नोट कर लें असगंधन गोरी का। असगंधन गोरी सतावर बीख बदहारा तखम कूंच, ये आपने हम वज़न ले लेनी है और इनके बराबर आपने मिश्री ऐड कर देनी है। 2 ग्राम हमरा दूध के साथ आपने खाना है सुबह और शाम को। इंशाल्लाह ताला मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। आँखों के लिए बहुत ही अक्सीरी है, अगर ऐनक लगी हुई है तो ऐनक उतर जाएगी इंशाल्लाह। ये नुस्खा आपने सिर्फ 1 माह इस्तेमाल करना है, इससे ऊपर नहीं करना। तो असगंधन गोरी का आप तीसरा नुस्खा नोट कर लें। आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि उनका कद नहीं बढ़ता, तो इंशाल्लाह ताला असगंधन गोरी इसके लिए भी अक्सीर है। तो कद बड़ा करने के लिए आपने असगंधन गोरी अकेली लेनी है और उसके साथ आपने मिश्री ऐड कर लेनी है। ये भी आपने 2 ग्राम दूध के साथ खानी है। इंशाल्लाह ताला इससे आपके कद में हैरत अंगेज इजाफा होगा। बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। असगंधन गोरी का शुगर के लिए इस्तेमाल। असगंधन गोरी इतनी अच्छी बूटी है, आप इसे शुगर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा और लाजवाब शुगर के लिए नुस्खा बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला ये नुस्खा शुगर के लिए अक्सीरी होगा। तो शुगर के लिए नुस्खा आप नोट कर लें। आपने मगज़ पंबा दाना यानी मगज़ बनोला 80% लेना है और असगंधन गोरी आपने 20% लेनी है। इन दोनों को आपने बारीक फूफ कर लेना है। 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को आपने ताज़ा पानी के साथ खाना है। इंशाल्लाह ताला ये शुगर के लिए अक्सीरी नुस्खा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही अच्छा और अहम नुस्खा। ये नुस्खा औरतों के लिए है, औरतें इन्हें इस्तेमाल कर सकती हैं। औरतों की माहवारी के रुकावट के लिए और औरतों का बांझपन के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। आपने असगंधन गोरी अकेली लेनी है और उसको आपने बारीक सफूफ कर लेना है। 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को आपने हमरा दूध के साथ 40 दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला बांझपन का खात्मा हो जाएगा और माहवारी की रुकावट भी दूर हो जाएगी। सफ़ेद बालों को काला करना। आप इस असगंधन गोरी को सफ़ेद बालों को काला करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने असगंधन गोरी का सफूफ कर लेना है। 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को आपने 1 साल तक इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह ताला अगर आपके सफ़ेद बाल होंगे वो काले हो जाएंगे। तो बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें।
और असगंधन गोरी इतनी अच्छी बूटी है, माँ के दूध के बाद बोर्ड का दूध आता है, फिर असगंधन गोरी का नंबर आता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असगंधन गोरी कितनी अच्छी बूटी है। आप जो मैंने आपको ये नुस्खे बताए हैं, आप ये बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ असगंधन गोरी के बारे में अहम इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।